सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। टिकटों का फैसला कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, उससे पहले उसके बारे में कोई बोल भी नहीं सकता, उसके बारे में बोलने का कोई मतलब भी नहीं होता। गैस के द्वारा आपने विश्वास सूत्रों के द्वारा से जो खबर चलाई हुई थी हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि ये सूत्र और ये खबरें, और उसी के माध्यम से जब पत्रकार ने मेरे से सवाल किया तब मैंने यही जवाब दिया था कि आप हम तो टीवी पर देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और ये पीछे सूत्र लिख देते हो, मैंने उसी बात को कहा था। ये है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, जिन्होंने बीते दिन पत्रकारों से बातचीत के दौरान साफ साफ शब्दों में कहा था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ोली का ये बयान जब चर्चा का विषय बन गया और विरोधी दलों के नेता भाजपा से लेकर सीएम सैनी तक को घेरने में जुट गए तो आज बड़ोली अपने बयान से किनारा कर गए। सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ोली ने कहा कि मीडिया वाले सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे थे, मैंने उसी के मद्देनजर ये बात कही थी, लेकिन मेरे इस बयान का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि भाजपा में टिकट का फैसला हाई कमान ही करता है, उससे पहले कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। आपके चैनल के ऊपर जब हमारा राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब हम बाहर निकले उससे पहले टीवी पर आपने गैस के द्वारा आपने विश्वास सूत्रों के द्वारा से जो खबर चलाई हुई थी हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि ये सूत्र और ये खबरें, और उसी के माध्यम से जब पत्रकार ने मेरे से सवाल किया तब मैंने यही जवाब दिया था कि आप हम तो टीवी पर देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और ये पीछे सूत्र लिख देते हो, मैंने उसी बात को कहा था। और क्योंकि टिकटों का फैसला कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, उससे पहले उसके बारे में कोई बोल भी नहीं सकता, उसके बारे में बोलने का कोई मतलब भी नहीं होता। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको जहां से चाहेगा वहां से उस आदमी। बता दें कि लाडवा और करनाल से चुनाव लड़ने के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और सीएम नायब सैनी के बयानों में असमानता दिखाई दी थी, चूँकि बड़ोली ने कहा था कि नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे जबकि मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। बहरहाल मोहनलाल बड़ोली ने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए अपने बयानों से किनारा कर लिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नायब सिंह सैनी आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे और अब विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।